3 दिन से वो लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री स्टाइल ब्लॉग्स। तो आज का सीन ये है कि आज है हमारे घर में जो एक छोटा सा कीर्तन किया जाता है माता जी का, तो आज कीर्तन किया जाएगा। और कल परसों से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मुझे फीवर हो गया था, तो काफ़ी वीकनेस आ चुकी है और मैं कल कहीं पे गया भी हुआ था। तो आज मैंने व्लॉग बनाना भी शुरू किया है, तो अभी रेडी तो हो चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल चलिए अभी आपको प्रोग्राम दिखाते हैं, तो चलिए आप देखिए। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने एक नए दिन में। तो आज सुबह सुबह का सीन ये है कि आज मुझे चश्मा ठीक करवा के लेके आना है क्योंकि उस पर काफ़ी स्क्रैच आ गए हैं, तो जिसकी वजह से मुझे एडिटिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और 2-3 दिन से अभी व्लॉग भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि कामों में ज़्यादा बिजी हैं। और आपने पिछले जो वीडियो है उसमें देखा था कि हमने एक छोटा सा कीर्तन करवाया था, तो अभी मम्मी जी से उसका रिव्यू लेते हैं क्योंकि मम्मी जी की काफ़ी इच्छा थी कि घर में कीर्तन वगैरह करवाया जाए। तो अभी कीर्तन वगैरह करवा दिया है तो मम्मी जी को काफ़ी अच्छा लगा है, मम्मी की इच्छा थी तो वो पूरी हो चुकी है। तो अभी मम्मी जी का रिव्यू लेते हैं, तो मम्मी जी से पूछते हैं कि इनको कैसा लगा, इनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो चुकी है, कीर्तन करवाया गया था, तो बताइए आपका कैसा रहा? बहुत खुशी हो रही है मेरे को बच्चा। आवाज भी नहीं कर रही आपकी तो। आवाज तो खराब हो रही है। सही हो गया ना? बढ़िया, मजा आया ना? मन की इच्छा पूरी हो गई। हाँ चलो, अच्छी बात है। चलो चलो ठीक है। तो अभी फिलहाल अभी चलेंगे मार्केट में, चलेंगे पहले भैया के पास चलते हैं। अभी भैया कह रहे थे तो आज धूप भी आ चुकी है काफी अच्छी छत पे, तो थोड़ी देर अभी बैठते हैं। वैसे तो काफी ठंडा मौसम था 1-2 दिन से, अभी फिलहाल ठीक है, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे भैया बैठे हैं और आराम से धूप सेक रहे हैं, तो अभी चलेंगे मार्केट में। हाँ जी सर, चलें? कहाँ चलें? मार्केट में। चल चश्मा ठीक करवा के लेके आना है, इस पर काफ़ी स्क्रैच हो गए हैं, देखो अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो वो स्क्रैच लग रहे इस पर ज़्यादा मुझे, जहाँ से मतलब दिखना है ना वहीं पे स्क्रैच है। इस पे कुछ ज़्यादा लगे हो इसके कंपेयर में, देखिए तो ये यहाँ से टूटा भी हुआ है, देखो चेंज करवा दे। चेंज करवा के आना पड़ेगा, तो चलिए अभी चलते हैं। चलते हैं और इंडिकेटर भी लगवा के लेके आना है बाइक का, वो टूट गया था उस दिन। भैया ने बाइक बाहर निकाल ली है, अभी चलते हैं। चलो सर। हाँ जी अनुराग सर, इंडिकेटर तो अभी ठीक करवा दिया है, तो अभी बाइक धुलवाने के लिए आए यहाँ पे। इस तरह में ये रही हमारी बाइक। सो दोस्तों, अभी मार्केट में से तो आ चुके हैं और अभी देख सकते हैं मेरा चश्मा भी ठीक हो चुका है। तो वैसे मैं चश्मा डेली तो लगाता नहीं हूँ, बस जैसे फ़ोन चलाना हुआ है, टीवी वगैरह देखता हूँ, अगर टीवी तो वैसे मैं देखता ही नहीं हूँ, तो फ़ोन ही चलाना होता है, एडिटिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर दादी जी भी रेस्ट कर रही है मस्त आराम से, तो हम भी आराम से धूप सेकते हैं। और इस तरह में अनुराग सर। सो गाइज, अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो अभी साहिल घर पर आए हैं, तो अभी देखते हैं थोड़ा बाजार की तरफ चलेंगे, थोड़ी वॉक करके आते हैं और देखते हैं क्या माहौल है।
तो अभी ये कोको भी आ चुका है, तो हम पैदल जा रहे हैं और ये बाहर की तरफ साहिल भी आ चुका है और अभी चलते हैं। कोरोना का काफ़ी खौफ है शहर में। क्यों हंसी हो रही है भाई? क्यों ज़्यादा हंसी आ रही है? दस रुपये वाला बर्गर। सो दोस्तों अभी घर पे तो आ चुके हैं और हमारा खाना रेडी है। आज खाने में मटर पनीर की सब्जी, रोटियां और जीरे वाली लस्सी। तो इस तरह में सभी बैठे हैं, तो चलिए एंजॉय करते हैं। सो दोस्तों अभी दादी जी के पास तो आ चुके हैं और आपको मैं अभी बता देता हूँ कि दो तीन दिन से वो लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या रीज़न है उस चीज़ के पीछे। तो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि मैं बीमार हो गया था, जिसकी वजह से अभी लोग शूट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति जिस अभी जैसे बीमार हो जाता है तो उसका मन नहीं करता है कुछ भी करने का, तो ऐसा मन करता है कि जैसे रेस्ट करो। और वैसे भी आपको पता है कि सर्दियाँ कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं, ठंड बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं मैंने कैप भी पहन रखी है और ऊपर से भी डाल रखी है हुडी। तो ये कारण है। और एक कारण हो रहा है कि ये जो घर में काम है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से ब्लॉगिंग को कंटिन्यूसली रखना काफ़ी में उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी क्या ही कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आज का ब्लॉग मैंने शूट किया जैसा भी था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर चैनल न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।